सो हेलो सर, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, अभी हम आए मजदूर मैदान सेक्टर 4 में। तो भाई सर, काफी सर भाई लोग का ऐसा डाउट है कि यहाँ पर तो बारिश हो रहा है, जो कि 24 घंटा से लगातार बारिश हो रहा है। इस बारिश खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। और सर, ऊपर का मौसम आप लोग देख सकते हैं, अभी भी मौसम काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। और सर, अभी भी बारिश यहाँ पर हो ही रहा है। तो काफी सर भाई लोग कन्फ्यूजन में है कि क्या जो जुलूस में डीजे सार्जन का बुकिंग हुआ है, क्या डीजे सार्जन यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे। जो कि सर मेरा भी हाल देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हुआ है। तो भाई सर, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चलेगा कि डीजे सार्जन आएंगे या नहीं आएंगे। सो दोस्तों, यही है बोकारो सेक्टर 4 मजदूर मैदान का गेट, जो कि अंदर आने के बाद कुछ इस टाइप का यहाँ पर माहौल बना हुआ है बारिश में। तो भाई सर, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चलेगा कि सार्जन का सेटअप लगेगा या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का चरखा चरखी लगा हुआ है गाइस, और यहाँ पर पूरा बारिश से हर चीज़ बंद हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये हो गया मजदूर मैदान का ये जो पंडाल, जो कि सर पंडाल कुछ इस टाइप का बना हुआ है। अभी के टाइम में पूरा ये मेला बंद हो चुका है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पूरे ही ग्राउंड फ्लोर पर आप लोगों को बारिश ही यहाँ पर केवल देखने को मिलेगा। ये देखिए सारा मतलब लड़के का खेलने वाला वो बड़ा वाला चरखी है, वो भी बंद है। और सर इधर जो है ब्रेक डांस, ये भी बंद है। यानी पूरे ये मेले का जो दुकान वगैरह सारा कुछ अभी के टाइम पे बंद है। और माहौल कुछ ऐसा मतलब बारिश, हम यहाँ पर 24 घंटा से हैं, फिर भी गई सर अभी यहाँ पर किरिम मतलब सूरज भगवान को एक भी बार हमने नहीं देखा। और अभी भी बारिश वैसा ही हो रहा है जैसा मतलब तूफान टाइप का होता है ना, वैसे ही यहाँ पर बारिश हो रहा है। तो गई सर, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चलेगा कि क्या मतलब यहाँ पर डीजे सार्जन जो 19 सितम्बर को आने वाले हैं, क्या इसी तरह का बारिश अगर हो तो होगा तो क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पर जैसे कल जो हुआ था डीजे पंकज का विसर्जन, मतलब रोड शो में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत परेशानियाँ हुआ, जो कि आप लोगों को वीडियो भी देखने को मिला होगा। बाकी भी सर, इस मेले में दो दो बड़े बड़े झूले आए थे। बड़ा वाला चरखी देखिए एक पीछे में है, और भी सर एक यहाँ पर देखिए पीछे में है। उनका जो सार्फी वगैरह था टोटल ऐसे तो वाटरप्रूफ था, जो कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और भी सर पंडाल कुछ इस टाइप का है। तो देखिए बारिश तो ऐसे बताया जा रहा है कि कल खुल जाना चाहिए, अगर कल खुल जाता है तो कल मैं अपडेट आकर दे दूंगा। बाकी भी सर, अगर ऐसा ही माहौल यहाँ पर बना रहा तो मतलब बारिश ऐसे ही होते रहा तो फिर नहीं हो पाएगा वैसा बिग शो, जैसे बिग सेटअप का रूट होता है वैसे ही नहीं हो पाएगा, होगा नॉर्मल सेटअप से होगा फिर जैसा भी होता है। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि बारिश खुलेगा तभी मज़ा आएगा, अगर बारिश नहीं खुला तो फिर देखिए कितना तेज़ बारिश यहाँ पर आ गया। देखिए मेला काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पर लगा हुआ था गाइस, लेकिन टोटल चीज़ यहाँ पर ख़राब हुआ बारिश की वजह से। तो जो भी भाई लोग अभी नहीं आए हैं, अगर डीजे सार्जन को देखने के लिए आना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग अभी मत आइए। अभी भी यहाँ से 3 दिन समय है, अगर आप लोग डीजे सार्जन का रोड शो देखना चाहते हैं तो अभी आप लोग मत आइए, क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं माहौल ख़राब है। और ख़राब मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है और आप लोग आकर फंस जाइएगा। अगर आप लोग रोड शो केवल देखने के लिए आ रहे हैं तो 19 तक वेट कीजिए। अगर तो भाई सर, यही चीज़ आप लोगों से अपडेट देना था, जो कि गई सर डीजे सार्जन को लेकर। तो मेरा राय यही है कि अगर आप लोग दूर से आना चाहते हैं तो इस वाले रोड शो में अभी मत आइए। अभी आज 16 तारीख है, अभी भी 3 दिन समय है, अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, 24 घंटा से ऐसा ही मौसम कर रहा है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से या कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा कि अगर मौसम सही करता है तो आप लोग आ सकते हैं। बाकी आप लोग 19 तक का वेट कीजिए, मौसम सही होता है तभी आप लोग आइए। अगर ऐसे आ जाते हैं तो आप लोग फिर फंसीएगा, ये मेरा गारंटी है। तो गाइस, यही चीज़ आप लोगों से अपडेट देना था। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और भी सर, चलिए मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में। तक ले, जय हिंद जय भारत।